अस्सलाम वालेकुम क्लास। बच्चा आज हमने हमारा जो प्रैक्टिकल पोर्शन है हमने वो स्टार्ट करना है। बाकी की क्लास को कहें कि वो भी क्लास ज्वाइन करें। यहाँ पे आपके पास लाइव चैट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपने अपना जो नेम है और साथ में अपना जो एजी है वो आपने लिखना है, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स ने क्लास ज्वाइन कर लिया, बाकी स्टूडेंट्स से कहें कि वो भी क्लास ज्वाइन करें। तमाम स्टूडेंट्स बच्चे क्लास ज्वाइन करें ताकि फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। समीन बच्चे बाकी स्टूडेंट्स से कहें कि वो भी ज्वाइन करें। आज हमने जो हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन है हम वो स्टार्ट करेंगे। एनिमल डाइवर्सिटी 2 का हमारा जो प्रैक्टिकल पोर्शन है हम वो स्टार्ट करेंगे। जो प्रोटोकॉर्डेट जो कि हमारे पास म्यूज़ियम में प्रेजेंट होते हैं उनकी हम आइडेंटिफिकेशन स्टडी करेंगे। अच्छा बाकी की क्लास कहाँ है, आपको मेरी वॉइस आ रही है? बाकी के स्टूडेंट से कहें कि वो भी क्लास ज्वाइन करें। सब स्टूडेंट्स अपने नेम और एजी साथ में मार्क करें। आज हमने प्रैक्टिकल पोर्शन पढ़ना है, उसमें हमने टोटल कोऑर्डिनेट्स हैं वो डिस्कस करने हैं, ठीक है। कि हमारे पास म्यूज़ियम में कौन कौन से होते हैं और हम उनकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करते हैं। समीन बच्चे बाकी की क्लास कहाँ हैं? स्टूडेंट ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे? मेरी वॉइस आ रही है आपको? अहमद बच्चे बाकी के स्टूडेंट्स को कहें कि वो भी ज्वाइन करें। यस मैम, क्या क्या पता नहीं कहाँ चले गए हैं, गायब हो गए हैं। आप लोग गायब क्यों हो जाते हैं? मेरी वॉइस आ रही है आपको अहमद? बच्चे ग्रुप में नहीं, आप यहाँ पे आपके पास चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स में आपके पास जहाँ पे लाइव चैट का ऑप्शन है पे मैसेज नहीं करना। आपने अपनी जो अटेंडेंस है जब आपकी क्लास कंप्लीट होगी आपने वहाँ पे मार्क करनी है। और इसके अलावा
क्यों बच्चे रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर सकते आप? यहाँ पे आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं, जहाँ पे आपने अपना नेम लिखा है वहाँ पे आप अपना रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अच्छा आप इसको इस तरह से करें, जिन स्टूडेंट्स का रिस्पांस नहीं हो रहा आप इसको इस तरह से करें कि आपने जो सब्सक्राइब का उसको सब्सक्राइब करके देखें, शायद तब आप लोगों का रिस्पांस जो है वो आ जाए। आप लोगों के अपने अकाउंट्स ओपन नहीं है? आपकी जो यूट्यूब चलती है उसमें आपका अपना अकाउंट नहीं है? कुछ स्टूडेंट्स आप लोगों के नेम और एजी तो आए हैं, बट आप बाकी की जो रिस्पॉन्स है, आपकी वॉइस का इशू है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको वहीं पे ही पूछ लें, ठीक है? जी अब ठीक है, चल बाकी के स्टूडेंट्स भी इधर ही आप लोग जहाँ पे लाइव चैट का ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग अपने कमेंट्स करें। आपको अगर कुछ समझ नहीं आता, कुछ पूछना हो आपने, तो वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है? और जिन स्टूडेंट्स का इशू आ रहा है जो नहीं कर सकते, आप इसको सब्सक्राइब के क्लिक करके देखें, या फिर आपका जो अपना अकाउंट है वो इसमें लॉगिन नहीं होगा, ठीक है? अहमद का और रिदा आपका बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट हमने जो प्रैक्टिकल पोर्शन है आपका वो स्टार्ट करना है, और वो हमारा है प्रोटोकॉर्डेट्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप एक म्यूज़ियम में स्टडी करते हैं, या फिर आपके लैब में जो म्यूज़ियम स्पेसिमेंस हमारे पास होते हैं, हमने उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक फ़िश दे दी जाए, या फिर आपको एक यूरोकॉर्डेट दे दिया जाए, या आपको प्रोटोकॉर्डेट दे दिया जाए, तो आपको किस तरह से पता चलेगा कि ये हमारे पास जो है ये प्रोटोकॉर्डेट है, ये हमारे पास मैमल है, ये हमारे पास रेप्टाइल्स में से कौन से हैं, बर्ड्स में से कौन से हैं, ठीक है? उससे ये नेक्स्ट बच्चे ये इसका रिदा का ज्वाइन नहीं हो रहा, इसको रिदा को थोड़ी गाइडलाइन करें। नेक्स्ट इसमें हमारे पास ये यूरो कोऑर्डिनेट और सेफलो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आप लोगों को मैंने क्लासेस जो हैं वो पढ़ा दी हैं, ठीक है? इसका जितना भी डिटेल है हमने पढ़ लिया, लेकिन ये डायग्राम्स हैं ये आप लोगों ने तब नहीं देखी, ठीक है? इसमें थोड़ी डायग्राम देख लें, ताकि अगर आपको स्पेसिमन स्टडी के अकॉर्डिंग अगर आइडेंटिफिकेशन करवाई जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें मेन क्या डिफरेंस है, ठीक है? बच्चे आप सबको समझ आ रही है? नूर फातिमा, शबजीन तारिक कहाँ चले गए हैं बच्चे? आप लोगों को समझ नहीं आ रही? बच्चे रिदा आप इस तरह से करें कि ये जो आपको लिंक दिया गया है यहाँ पे, आप इसको या तो इस चैनल को जो आपके पास जूलॉजी लेक्चर्स के, इसको सब्सक्राइब कर लें तब भी हो जाएगा, या फिर आपका अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन नहीं होगा तो आप उसको लॉगिन करके कर सकते हैं। बच्चे आप लोगों को वॉइस नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, गायब ही हो जाते हैं। चले अहमद आपका मसला बच्चे सॉल्व हो गया, और वो आपकी जो जीआर है उनका मसला भी सॉल्व कर लें। चलिए, लेकिन बाकी सबके साथ तो इस तरह से नहीं होता कि आपको चैनल क्रिएट करना पड़ता, पता नहीं।
चलें ठीक है, बाकी जो आपकी जीआर हैं थोड़ा उनको भी गाइड करो। बाकी की क्लास कहाँ चली गई है? ये आप अटेंडेंस लगा के आपने यहाँ से गायब नहीं होना, ठीक है? आपकी क्लास यहीं पे होगी, इसको कम्प्लीटली तौर पे आप सुने, और ये आप लोगों का जो प्रैक्टिकल पोर्शन है ये वो है, आपकी प्रैक्टिकल की क्लास है। अब इससे नेक्स्ट जो है वो हमारी प्रैक्टिकल की क्लासेस चलेंगी, ठीक है? तो इनकी डायग्राम्स आपने अच्छे से देखनी भी है, और आपने हर फाइलम हर क्लास की जो है आपने अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में तीन तीन डायग्राम जो है वो ड्रॉ भी करनी होंगी, ठीक है बच्चे? नेक्स्ट हमारे पास इसको हम सब फाइला में डिवाइड करते हैं। बाकी जिन स्टूडेंट्स का कनेक्ट हो रहा है वो क्यों गायब हो गए हैं बच्चे? आप लोग अटेंडेंस लगा के कहाँ चले गए हैं? आप लोग बच्चे क्लास ज्वाइन करें फिर आपको समझ आएगी ना, गायब कहाँ हो जाते हैं? नेक्स्ट हमारे पास हमने सब फाइला है डिस्कस करने, इसमें हमारे पास यूरो कोऑर्डिनेट और सेफलो कोऑर्डिनेट्स, ठीक है? ये हमारे पास दो हैं, ये मैंने जब आप लोगों को क्लास टीच में भी बताया था, हमारे पास यूरो कोऑर्डिनेट्स जो हैं और उसमें हमारे पास सी सिक्योर्ड्स आ जाते हैं, इसके अलावा हमारे पास जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो आ जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास सेफलो कोऑर्डिनेट्स हैं, सेफलो कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास जो मोस्टली एग्जाम्पल आती है वो हमारे पास एम्फीऑक्सिस की आती है। जी प्रेजेंट है, रिदा हो गया आपका कनेक्टेड? ओके चलें बच्चे, इसको यहीं पे ही ज्वाइन करें ताकि आपकी ये कुछ ही टाइम की क्लास है आपको अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा आप ये बताएं कि आप लोगों की डेट शीट आ गई है? आई थिंक 3 मई से लेके आप लोगों के 12 मई तक पेपर्स हैं, तो आपने किस डेट को पेपर देना है आपका, वो आप डिसाइड कर लें। नेक्स्ट इसमें हमारे पास एम्फीऑक्सिस है, ठीक है? ये आपको जो डायग्राम नज़र आ रही है ब्लू कलर की, ये हमारे पास स्पॉन्जीज हैं जो कि हमारे पास फाइलम पोरीफिरा से बिलोंग करते हैं, ठीक है? और ये जो हमारे पास लास्ट में डायग्राम है ये हमारे पास एम्फीऑक्सिस की है। नेक्स्ट हमारे पास ड्यूटीरियो स्टोमेटा है। चलें आपका भी कोई डिसाइड हुआ है पेपर या नहीं हुआ, मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रही हूँ। तो अगर नहीं हुआ है तो आप इस तरह से कर लें कि 5 और 6 को जो है वो आप 5 को इंग्लिश का कर लें और 6 को जो है वो एनिमल डाइवर्सिटी 2 का कर लें, ठीक है? इसमें हमारे पास जो डिटीरियो स्टोमेटा है उसमें हमारे पास 2 ओपनिंग होती हैं, और ये ड्यूरिंग डेवलपमेंट के दौरान में जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, जैसे कि हमारे पास गैस्टूला स्टेजेस है तो उसमें हमारे पास स्टेजेस बनना स्टार्ट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें हमारे पास जो है वो आप मोरूला है, ब्लास्टूला है, गैस्टूला है, वो स्टेजेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो सेम इसी तरह से हमारे पास जब ड्यूटीरियो स्टोम की हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होती है और ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जिसमें एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो रहा होगा, हमारे पास ब्लास्टोपोर डेवलप होता है, और अगर ये एनस की तरफ डेवलप होता है ब्लास्टोपोर तो उसको आप जो है वो ड्यूटीरियो स्टोमेटा कहते हैं, और अगर माउथ की तरफ डेवलप हो रहा होता है तो उसको आप जो है वो प्रोटोस्टोमेटा का नाम देते हैं, ठीक है? और इसके अलावा हमारे पास ये जो सेकेंड ओपनिंग होती है ये फॉर्म करती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान में, जो कि हमारे पास माउथ से डेवलप होती है, ठीक है? इसमें हमारे पास मोस्टली रेडियल क्लीवेज है। चले बच्चे आप इस तरह करें, नेक्स्ट कोई डेट कर लें, 3 को कर लें या फिर आप 6 को कर लें, जो आपके पास डेट है आप उस डेट को कर लें। अच्छा चलें बच्चे, आपको जो इजी डेट लगती है तो उस डेट में आप डिसाइड करके बता दें, इसलिए मैंने पहले आपसे पूछा था कि अगर तो आपकी कोई डेट डिसाइड है तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता देती हूँ। तो अगर आपके 2 पेपर्स या 3 पेपर डिसाइडेड हो गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर लें, ठीक है? फिर फाइनली मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये है ड्यूटीरियो स्टोम्स में, ठीक है? ये मीजोडर्म आपको ब्लू कलर की नज़र आ रही है, और जो इसके अंदर ब्लू कलर के अंदर जो कैविटी है ऑरेंज कलर की, वो हमारे पास सिलोम है, ठीक है? और ये हमारे पास एनस पार्ट है, ये हमारे पास माउथ पार्ट है, ठीक है? अगर ब्लास्टोपोर की डेवलपमेंट एनस पार्ट से होगी तो उसको हम
डिटीरियोस्टोम्स कहेंगे, और अगर माउथ पार्ट से उसकी डेवलपमेंट होगी, ब्लास्टअप होगी, तो उसको हम प्रोटोस्टोम्स कहेंगे। जी वो भी बता देती हूँ मैं आपको। आपका जो सिलेबस होगा मिड का, वो आप लोगों के रेप्टाइल्स तक इंक्लूड होगा, ठीक है। उसमें आपका है एक आपके पास आ जाएंगे पाइसिस आ जाएगी, फिशिस का आ जाएगा, आपके पास प्रोटोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट और एम्फीबियंस, एम्फीबियंस तक होगा। नेक्स्ट आपके पास और दूसरा आपके पास ये है कि रेप्टाइल से पहले पहले जहाँ पे एम्फीबियंस आपके ख़त्म होते हैं वो आप लोगों का होगा, ठीक है। और जो आप लोगों का फाइनल का होगा, तो फाइनल में आपके जो लास्ट के तीन आप लोगों के फाइलम रह जाएंगे, उसमें आपके पास रेप्टाइल्स है, आपके पास बर्ड्स है और मैमल्स है, ठीक है, वो होंगे। और तीन जो हैं वो आपके एम्फीबियंस तक जो है वो आपके मिड में होंगे। जी बच्चे चार को कर लें, अगर आप लोग तब फ्री हैं तो आप लोग तब चार को कर लें इंग्लिश का, और जो एनिमल डाइवर्सिटी का है वो फिर आप जिस डेट को आप अवेलेबल हैं तो आप उस डेट को कर लें। तीन से लेके आपके पास 12 मई तक टाइम है, ठीक है। तो एनिमल डाइवर्सिटी का मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश का जो है वो मैं आपको देख के बता देती हूँ। नेक्स्ट इसमें हमारे पास अब इसको डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे क्लासेस हैं उनको, कि हमने हेमिकॉर्डेट्स और इकाइनोडर्म्स पढ़े थे। जो हमारे पास इकाइनोडर्म्स हैं वो इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं, लेकिन उनकी जो कुछ करेक्टर्स इस तरह के हैं जो कि हमारे पास कॉर्डेट्स और हेमिकॉर्डेट्स से जो है वो मिलते जुलते हैं, ठीक है। इसमें ये आपके पास है इकाइनोडर्म्स हैं, उनकी डिवेलपमेंट में आपके पास सी स्टार है, पेंसिल अर्चन है, इसके अलावा सी अर्चन है। तो इनमें जो डेवलपमेंट है सेम इसी तरह से ही होती है जैसे हमारे पास प्रोटोकॉर्डेट्स या हेमिकॉर्डेट्स हैं उनमें होती है। जी बच्चे चार को इंग्लिश का कर लें, और आप सिक्स को या फिर कोई और डेट है तो उसको आप एनिमल डाइवर्सिटी टू का कर लें, ठीक है। लेकिन आपका मोस्टली जो है, अच्छा आप ये बात बता दें कि आपने LMS के थ्रू देना है या आपने गूगल फॉर्म्स के थ्रू देना है। कभी LMS के थ्रू दिए हैं आपने पेपर्स? नेक्स्ट इसमें हमारे पास हेमिकॉर्डेट्स हैं, हेमिकॉर्डेट्स में ये हमारे पास ग्रुप होता है मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स का, और इसको हम कॉमनली जो है वो एक्रॉन वर्म का भी नाम देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो हेमिकॉर्डेट है, उनकी एग्जांपल दिखाई गई है, ठीक है, कि उनकी जो हमारे पास बॉडी होती है उनकी बॉडी में हमारे पास क्या क्या जो मेन ऑर्गन्स हैं वो मौजूद होते हैं। इसमें हमारे पास ये आपके पास जो प्रोबोसिस है, प्रोबोसिस में हमारे पास जो है वो कुछ डेवलपमेंट ऐसी होती है जो कि इसकी इनर साइड पे होगी लेकिन आपको आउटसाइड नज़र नहीं आएगी, ठीक है। और ये हमारे पास एज ए कॉलर जो है वो डेवलप होते हैं, कॉलर भी वर्क करेंगे। और सेम इसी तरह से ये हमारे पास गिल स्लिट्स हैं, गिल स्लिट्स का मैंने आपको फंक्शन बताया था कि ये बेसिकली किस लिए होता है। जी बच्चे गूगल फॉर्म पर ही होगा, चलें बच्चे वो गूगल फॉर्म पे ही कर लें। और आपका जो पेपर पैटर्न है वो आप लोगों को फिर बता दिया जाएगा कि आपके उसमें कितने MCQs होंगे, उसमें आपके MCQs की मार्किंग कितनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल है वो हाफ मार्क्स का होगा, वो फुल मार्क का एक होगा, या टू मार्क का एक MCQs होगा। तो वो आपको उससे पेपर से पहले जो है वो एक दो दिन पहले आपको बता दिए जाएंगे कि इतने इतने आपके, जैसे जब मैं पेपर बनाऊंगी तो आपको साथ साथ बता दूंगी, ठीक है। और वो बाकी आपका जो मटेरियल है, आप लोगों के जो सिलेबस हैं, जितना आप लोगों को पढ़ा दिया है, आप लोगों का एनिमल डाइवर्सिटी का है या फिर आपका इंग्लिश का है, तो वो दोनों आपके जो सिलेबस पढ़ाए गए हैं आपका मटेरियल जो है वो उसी में से आएगा, वो आपके कोर्स कंटेंट्स को फॉलो करते हुए पढ़ाया गया है, ठीक है। अच्छा इसमें एक बात याद रखें, आप में से जो आप लोगों के गूगल फॉर्म्स पे होंगे, बाज़ दफ़ा ये है कि आप लोग नेट से सर्च करते हैं, तो उसमें एक चीज़ का ख्याल रखना, आपने सिर्फ बुक को नहीं, अगर कोई MCQ जैसा है कि वो गूगल फॉर्म पे, सॉरी गूगल पे और है, और दूसरा जो आपके पास आप लोगों को जो पढ़ाया गया है तो वो उसमें और है, ठीक है। तो उसमें आपने जो ज़्यादा प्रेफरेंस करनी होगी वो गूगल को करनी होगी, क्योंकि गूगल में जो हमारे पास
ज़्यादा जो है वहाँ पे हमारे पास डाइवर्सिटी भी ज़्यादा होती है, लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमने लिमिटेड रिसोर्सेज में पढ़ाना होता है, ठीक है? तो आपने उसको जो है वो फॉलो करना है। चले बच्चे, गूगल फॉर्म पे ही होगा आपका जो पेपर पैटर्न होगा, वो मैं आपको शेयर कर दूँगी पेपर से एक दिन पहले, ठीक है? लेकिन अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दें। आपको वैसे मैंने इंग्लिश की और एनिमल डाइवर्सिटी 2 की काफ़ी हद तक करवा दी है, ठीक है? इसके अलावा आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कुछ पूछना हो तो वो आप लोग पूछ लीजिएगा। और बाकी की क्लास बच्चे क्या हैं? आपकी क्लास के 17 स्टूडेंट हैं, जस्ट 4 स्टूडेंट हैं यहाँ पे, और बाकी की क्लास कहाँ हैं? ये गायब कहाँ हो जाते हैं? आप में से काफ़ी क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो नहीं हैं यहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट चलें। अब आपकी जो जितनी भी डिस्कशन थी अकॉर्डिंग टू मिड, वो आपकी हो गई है, और जीआर से आपने कांटेक्ट कर लेना है। तो आपका जो 4 को है वो तो आपका इंग्लिश का डन हो गया, लेकिन जो आपका एनिमल डाइवर्सिटी का है वो आप पूछ लीजिएगा उनसे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? सिलेबस मैंने आपको बता दी है, तो आप लोगों को जो पढ़ाया गया है जितना भी आपका उसी में से ही होगा पेपर। चले बच्चे, जिनका नेट इशू है, बच्चे जिनका नेट इशू है तो आप लोगों की क्लास का गिनती के बच्चे हैं तो आप लोगों का नेट इशू ही रहता है। हाँ, उसने कहाँ से अटेंड करनी, उसके पास टाइम नहीं होता क्लासेस अटेंड करने का, सदीम के पास। चले इसमें नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यूरो कोऑर्डिनेट है, तो इसमें हमारे पास ये ग्रुप होता है फिल्टर फीडिंग के लिए, और इसके अलावा मैरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है? इसमें हमारे पास आते हैं जो कि मैरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं। इसके अलावा इसमें हमारे पास जो ट्यूनिक है, जो कि हमारे पास लेयर होती है, वो एक नॉन लिविंग होती है और आउटर होती है, इसके अलावा थिन भी होती है और ट्रांसपेरेंट भी होती है, जैसे कि ये आपको डायग्राम में भी दिखाई जा रही है, ठीक है? ये आप देखें, ये आपके पास ये ट्यूनिक लेयर है, ठीक है? ये ट्रांसपेरेंट है और थिन भी है। हाँ जी, अब आप आ गए हैं, अब आपको बहुत मुश्किल से टाइम मिला होगा। नेक्स्ट, ये अच्छा, आप इसकी ये जो क्लासिफिकेशन है या फिर थोड़ी बहुत डायग्राम या मेन बातें इसमें से, वो आप इसमें से भी देख लीजिएगा, ये आपको पेपर्स में हेल्प देंगी, ठीक है? अगर आप उसमें से जो आपके पास लेक्चर्स हैं आप उसमें से भी करें तो एक ही बात है, नहीं तो ये आपके उठने का टाइम है बच्चे, आपको पता नहीं है 10 बजे क्लास है। कोशिश किया करें टाइम पे क्लास ज्वाइन किया करें। इसमें हमारे पास यूरो कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास 3 क्लासेस हैं, उसमें हमारे पास एसीडियंस हैं, लार्वेसियंस हैं और थैलीसियंस हैं, ठीक है? और इसमें से हमारे पास जो 2 क्लासेस हैं जिसमें हमारे पास लार्वेसियंस हैं और थैलीसियंस हैं, ये लार्वल हमारे पास जो फॉर्म होती है ये थ्रू आउट लाइफ जो है उसको मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो एसीडियंस होते हैं वो अपनी लार्वल फॉर्म को मेंटेन नहीं रख सकते, ठीक है? नेक्स्ट, इसमें हमारे पास ये है कि ये जो एसीडियंस हैं ये टिनी होते हैं, इनके जो हमारे पास लेंथ होती है वो तकरीबन 0.5 mm से लेके 11 mm तक होती है, मिलीमीटर तक, ठीक है? लेकिन ये हमारे पास शॉर्ट लिविंग होती है, इनकी ड्यूरेशन जो है वो आवर से डेज तक सर्वाइव करती है, लेकिन आप इसको मंथ तक नहीं लेके जा सकते, ठीक है? और एसीडियंस जो है वो हमारे पास सेसाइल एनिमल्स होते हैं, वो अटैच रहेंगे सरफेस के साथ, सबस्ट्रेटम के साथ वो अटैच रहते हैं, फॉर एग्जांपल शेल्स हो गए या रॉक्स हो गए, लेकिन वो मूव नहीं कर सकते, उनमें इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो फ्लोट कर सकें, ठीक है? इसमें ये हमारे पास लार्वेसियंस हैं और इनकी ये आप लोगों को डायग्राम भी दिखाई गई है। तो एक तो ये है कि ये बेसिकली आपके पास जो लैब वर्क होता है उसमें जो आपके पास म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम आप जितने भी हमारे पास पार्क्स में है या फिर स्पेशली म्यूज़ियम है हमारे पास पाकिस्तान में, डिफरेंट कंट्रीज़ में, और कंट्रीज़ के अलावा आपके पास डिफरेंट हमारे पाकिस्तान के सिटीज़ में भी हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके देखें तो आपके पास एज़ इट इज़ जो हमारे पास फाना होता है वो स्टोर होता है, ठीक है? हमारे पास जो एनिमल्स हैं वो हमारे पास स्टोर होते हैं, वो बेसिकली किस लिए होते हैं कि इसीलिए जो हमारे पास न्यू जनरेशन आने वाली उसको बता सकें, या फिर आपको अगर ये सारी डाइवर्सिटी हमारे पास ख़त्म हो जाएगी तो आपको जस्ट ये इनकी पिक्स जो हैं वो नेट पर मिलेंगी, इसके अलावा अदर ऑर्गेनिज़म या इनके आपको फोसल जो हैं वो
म्यूज़ियम में नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप शायद पता नहीं आपकी यूनिवर्सिटी में लेबॉर्ट्री है या नहीं, तो बेसिकली हमारे पास टिनी बॉटल्स होती हैं, जैसे आप जो ग्लास जार होते हैं, तो उसमें ये हमारे पास जितने भी स्पेसिमेंस होते हैं शॉर्टली, उसमें हमारे पास फिशेज आ जाती हैं या फिर हमारे पास ये कॉर्डेट्स आ जाते हैं, जितने भी इसमें एनिमल्स हैं, तो आप उनको उन बॉटल्स में जो है वो स्टोर करके उनको जो लिक्विड है वो प्रोवाइड रखते हैं, ताकि डेड होने के बाद भी वो पड़े रहते हैं। और उनमें से आप अक्सर जाते हैं लैब्स में, तो आपको डिफरेंट तरह की स्मेल आ रही होती है, ठीक है। बाज़ दफ़ा वो आपसे जो स्मेल होती है वो आपसे बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है। वो डिफरेंट जो केमिकल्स और मटेरियल्स होते हैं उनकी वजह से आप जो लैब है या म्यूज़ियम होता है उसमें स्मेल हो जाती है, या हमारे पास जो स्केलेटन होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के, जैसे वर्टिब्रेट्स में है, तो वो आपके पास एज इट इज़ पड़े होते हैं, उनकी डेथ होने के बाद वो आपके पास, आप उसको एज ए स्टोर पर्पज़ के लिए रख लेते हैं, जो हमारे पास न्यू आने वाली जनरेशन होती है उनको दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली जो स्पेसिमेंस होते हैं ये इसलिए प्रिजर्व किए जाते हैं, ताकि इनको सेव करके जो बाकी की हमारे पास जनरेशन है उनको दिखा सकें। जब हमारे पास सेव ही नहीं कोई चीज़ होगी, तो हम किसी को किस तरह से दिखाएंगे कि हमारे पास ये एनिमल है, या हमारे पास ये जो है वो यूरोकॉर्डेट्स है, या हमारे पास ये बर्ड्स हैं, ठीक है। तो इस ये बेसिकली इस पर्पज़ के लिए रखे जाते हैं। और नेक्स्ट इसमें हमारे पास ये फ्री फ्लोटिंग प्लंकटॉन होते हैं, ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच नहीं होते, ये सेसाइल एनिमल्स नहीं होते इनमें, ये मेन डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है। इनकी हमारे पास जो लेंथ है वो 8 mm तक होती है, इसके अलावा इनकी जो बॉडी हमारे पास है वो स्मॉल होती है, और इनकी जो टेल होती है वो लॉन्ग होती है, ठीक है। ये आपको जो है वो इनकी बॉडी जो है वो नज़र भी आ रही है, और साथ में इनकी टेल है, और ये जो टेल होती है हमारे पास लॉन्ग, ये नोटोकॉर्ड है वो उसको सपोर्ट करती है। हमने देखा था कि हमारे पास जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उसमें हमारे पास एक नोटोकॉर्ड था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, और वर्टिब्रल कॉलम था, ठीक है। ये तीन चीज़ें उनमें मौजूद होती हैं, और ये उनकी बॉडी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो दिखाए गए हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास थेलीसियंस हैं, ये हमारे पास फ्री फ्लोटिंग भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, इसके अलावा हमारे पास क्लोनिकल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, कॉलोनीज की शेप में भी रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपको सिंगली नज़र आएगा, ये आपको जो है ये जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं ये कॉलोनी की फॉर्म में रह रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप क्लोनिकल ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। इसके अलावा इनके जो एडल्ट होते हैं वो एसीडियन जो हमारे पास फर्स्ट क्लास हैं उनसे इनकी अपेयरेंस जो है वो मिलती जुलती है, एडल्ट्स का भी नाम देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इनकी जो बॉडी है वो दिखाई गई है आप इस, ये हमारे पास जो है ये टेल पार्ट है, ये हमारे पास इनकी बॉडी का जो एनस है, और ये हमारे पास जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास माउथ है, माउथ के बाद हमारे पास फेरिंजियल स्लिट्स हैं, ठीक है। कलर नज़र आ रहा है ये पीच कलर, ये आपके पास नोटोकॉर्ड होती है, और ये हमारे पास जो है ये डॉर्सल और होलो जो है नर्व कॉर्ड है, ये आपको जो ये, और ये हमारे पास जो है ये एट्रिया है जो कि हमारे पास हर्ट की फॉर्म में डिवाइडेड होता है, और ये हमारे पास जो है ये आपको लेयर जो नज़र आ रही हैं ऐसे वर्टिकली जो प्रेजेंट है सेप्टा की फॉर्म में, ये हमारे पास सेगमेंटेड मसल्स हैं, ठीक है, सेगमेंट्स इनके बनाए हुए, और ये हमारे पास टेंटिकल्स हैं जो कि फूड की कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं। बच्चे मेरी वॉइस नहीं आ रही आपको, और बच्चे मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल पोर्शन पढ़ा रही हूँ, आप लोगों का जो हमारे म्यूज़ियम स्टडी करनी थी हमने, इसमें हमने म्यूज़ियम स्टडी करनी है डिफरेंट प्रोटोकॉर्डेट्स की, पाइसिस की, एम्फीबिया की, रेप्टिलिया की, एविस की, और मैमल्स की, ठीक है। इसमें हमारे पास मोस्टली क्या होता है कि ऐसे एनिमल जैसे हमने इसमें लिजर्ट्स पढ़े थे, टर्टल्स पढ़े थे, हमने उनके नेम पढ़े थे, इसके अलावा हम बर्ड्स हैं उनके नेम पढ़े हैं, हमारे पास फ्रॉग्स या टोड्स हैं, तो वो एनिमल जो कि हमारे पास हम उनको स्टोर कर लेते हैं, या तो हम उनको बेहोश करके, या फिर अगर वो उनकी डेड होने के बाद आप उनको जो है वो स्केलेटन है या उनको जो है वो प्रिजर्व कर लेते हैं हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है उसमें ऐड करके, और वो सॉल्यूशन जो है वो आपके पास जो ग्लास जार्स होते हैं उनमें आप ऐड करते हैं, ठीक है। और उन्हीं ग्लास जार्स में आप कोई भी फॉर एग्जांपल लिजर्ड आप उसको स्टोर करना चाहते हैं तो आप उसको रख लेंगे, तो उससे ये है कि एज़ कम्पेयर टू म्यूज़ियम है वहाँ पे स्मेल जो है वो कम हो जाती है। ये बेसिकली हमारे पास हम जो जितने भी हमारे पास म्यूज़ियम में हम देखते हैं हमारे पास एवीज हैं, उनको हमने स्टडी करना है म्यूज़ियम में जाके। ये मैं आप लोगों को उनकी डायग्राम और उनके बारे में जो थोड़ी बहुत डिटेल है वो बता रही हूँ, ये डिटेल जो है वो आप लोगों ने
पढ़ ली है जब आप लोगों को थ्योरी पढ़ाई थी तब, और अब भी ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली पोर्शन करवा रही हूँ। तब मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि बाद में ये आप लोगों के लिए कतलो कॉर्डेट्स और एम्फियोक्सिस, जिसको कि हम लैंसर्ट्स भी कहते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ ली है। ठीक है, ये जितना भी है हम लोगों ने ये पढ़ लिया है। इसमें आप लोगों ने एक तो ये कि डायग्राम जो हैं वो बेसिकली नहीं देखी हैं, आपको ये बुक में भी मिल जाएंगी। बुक के अलावा आपको जो फॉर एग्जांपल पूरा इंडिविजुअल है, ऑर्गेनिज्म है, वो आप लोगों को देखने में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी दिखाई गए हैं, और इसके अलावा जो इसकी एक्सटर्नल बॉडी है वो भी आपको नज़र आ रही है। ठीक है, अब समझ आ गई है बच्चे। नेक्स्ट इसमें हमारे पास ये जो इसमें एनाटॉमिकली इसी के लिए जो फीचर्स आ जाते हैं, जो इसकी अकॉर्डिंग टू इनकी बॉडी की कंपोजिशन के, तो इसमें हमारे पास जो ट्रंक होती है वो हमारे पास मोस्टली कंसिस्ट होती है। ठीक है, ये हमारे पास एक हेड ट्रंक और टेल। ठीक है, हेड हमारे पास वो पोर्शन होता है जो कि आपके फ्रंट पे इंटीरियर पार्ट पे मौजूद होगा, पोस्टीरियर पे जो है वो टेल होगी, और इसके अलावा जो ट्रंक होगी वो आपका मिड का पोर्शन होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी जो मिड की बॉडी होती है उसको आप ट्रंक कहते हैं। ठीक है, जो एंड की बॉडी है उसको आप टेल या पोस्टीरियर पार्ट कहते हैं, और जो स्टार्टिंग की बॉडी होती है उसको आप एंटीरियर या फिर हेड का नाम देते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास ये है कि ये इनकी जो स्किन होती है वो हमारे पास ट्रांसपेरेंट टाइप की होती है, और इसमें टू लेयर जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये मायोटीम्स का मैंने आपको बताया था। उसमें बेसिकली जो हमारे पास मसल्स होते हैं और स्केलेटल मसल्स, उनकी हमारे पास जो माइन्यूट ब्रांचेज होती हैं उनको आप मायोटीम्स का नाम देते हैं। ये आपके पास जो पिंक कलर है ये नोटोकॉर्ड है, जो कि हमारे पास एक मेन बेसिक स्ट्रक्चर है कॉर्डेट्स का। और ये हमारे पास जो है ये एनस है, और ये हमारे पास इंटेस्टाइन है। टेंटिकल्स हमारे पास माउथ के अकॉर्डिंग हो या फंक्शन है इनसे मौजूद होती हैं। और ये जो स्लिट्स होती हैं इनका रेस्पिरेटरी रोल ही नहीं बल्कि ये फैसिलिटेट करती हैं फिल्टर फीडिंग में भी। ठीक है, कि फ़िल्टर फीडिंग फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी जो फूड है वो अवेलेबल है, आपने उसको फ़िल्टर करना है, और इसमें से जो आपको फूड रिक्वायर है, जो आपको चाहिए, तो उस फूड को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो स्किन, इनकी स्किन होती है हमारे पास एम्फीबियंस की स्किन को यूज़ करते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस की स्किन है उसको हम यूज़ करते हैं, जिसकी और इसको हम रेस्पिरेशन है उसमें यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमारे पास रेप्टाइल्स आ जाते हैं, फिशेज, उनकी स्किन को भी हम जो आउटर सरफेस होती है बॉडी की सरफेस उनको यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, तो उसको हम रेस्पिरेशन के लिए स्किन को यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो इसके आपने ज़्यादा इसकी इंटरनल एनाटॉमी में नहीं जाना। आपके पास फॉर एग्जांपल पाइसिस हैं तो आपने तीन तरह की फिशेज़ की डायग्राम बनानी है। आपके पास यूरोकॉर्डेट्स हैं तो आपने अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में आफ्टर मिड, तो आप लोगों ने उस पर अपने जो डायग्राम होंगी उसमें दो तीन डायग्राम उनकी बनानी होंगी। सेम इसी तरह से तीन आपने डायग्राम एम्फीबियंस की बनानी होगी, और तीन रेप्टाइल्स और तीन मैमल्स की। ठीक है, तो आपने उनकी साथ में क्लासिफिकेशन भी लिखनी है कि ये कौन सी, सबसे पहले आपने जो आपकी लाइन वाला पेज है वहाँ पे आपने उसकी हेडिंग देनी है कि किंगडम, फिर उसके बाद आपने फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशी। ठीक है, एंड पे जो आपकी स्पीशी है जिसकी आपने डायग्राम ड्रॉ किया आपने वो लिखनी है। ठीक है, तरतीब के साथ चलना है, पहले आपने प्रोटोकॉर्डेट्स हैं उनकी डायग्राम्स बनानी है तीन, और उनकी क्लासिफिकेशन लिखनी है, फिर आपने तीन पाइसिस की डायग्राम्स बनानी है, फिर उनकी क्लासिफिकेशन लिखनी है, फिर एम्फीबियंस की, फिर रेप्टाइल्स की, फिर बर्ड्स की, फिर मैमल्स की। ये नहीं करना कि पहले मैमल्स की बना देनी है, बाद में फिर जो है एम्फीबियंस की बना दें, फिर बर्ड्स की बना दें, फिर फिश। ठीक है, ये आपके पास एम्फीऑक्सिस है, उसी की ही बेसिकली आपके पास डायग्राम है, और उनकी जो फिन्स है वो बताए गए हैं। फिन्स का मैंने आपको बता दिया था, इसमें आपके पास डॉर्सल फिन होते हैं, और डॉर्सल के अलावा आपके पास वेंट्रल फिन होता है, कॉर्डल है, और पेल्विक है, पेक्टोरल है। ठीक है, रिड्यूस्ड होती है इन एडल्ट एम्फीऑक्सिस। ठीक है, जो हमारे पास एम्ब्रियो, नेक्स्ट हमारे पास इसमें सिलोम जो है वो एडल्ट एम्फीऑक्सिस है उनमें रिड्यूस हो जाती है, और नेक्स्ट हमारे पास इनमें जो वो हमारे पास कॉर्डेट्स में आते हैं। जो अभी सिस्टम हार्ट के बाद हमने उसमें क्या देखा है कि हमारे पास इंटेस्टाइन थी, हमारे पास फेरिंजियल स्लिट्स थी, हमारे पास माउथ था, और इंटेस्टाइन के डायरेक्ट बाद हमारे पास एनस है। उनका वॉइस नहीं आ रही। बस इनका जो लार्वा होता है उनकी लार्वा फॉर्म जो होती है वो रिजेंबल करती है हमारे पास लैम्प्रे से। लैम्प्रे हमारे पास बच्चे, किसी भी स्टूडेंट को वॉइस नहीं आ रही मेरी।
मुझे वॉइस नहीं आ रही आप लोगों को। इनका जो लार्वा है वो रिजेंबल करता है लैम्प्रे के साथ, और इसी वजह से हम इसको कहते हैं एमियोसीड। ठीक है, आपको पता है कि लैम्प्रे जो है वो हमारे पास फिशेज़ में आ जाता है। ठीक है, कौन सी फिशेज़ में? गनेथा में, जिसमें कि जहाज़ नहीं होते। चलें, वो बीच में आई थिंक इंटरनेट इशू की वजह से शायद। नेक्स्ट इसमें आपके पास एमयू जो हमारे पास सीड्स होते हैं ये डॉर्सली प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो नर्व कॉर्ड होता है वो होलो होगा और डॉर्सली प्रेजेंट होगा, और इसके साथ साथ जो है वो नर्व कॉर्ड के साथ हमारे पास ब्रेन भी होगा। ठीक है, और ब्रेन जो है आपको पता है कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जिसमें हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आ जाते हैं। बच्चे अब भी पॉज हो रही है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो एम्योसीट है उसमें मायोमेर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे पास मसल्स हैं उनकी ब्रांचेज हैं। इसके अलावा इन ऑर्गेनिज़म्स को हम जो है वो एज ए फिल्टर फीडर्स के लिए भी यूज़ करते हैं, फूड में फिल्टर फीडिंग के लिए। और नेक्स्ट हम इसमें कहते हैं कि हमारे पास वस्कुलर अरेंजमेंट होती है। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो हम ये कहते हैं कि इसमें जो हर्ट है वो प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि एट्रिया है जो कि ओवरऑल हर्ट का वर्क करता है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो एम्योसीट्स होते हैं उनमें हमारे पास किडनी है, और ये हमारे पास प्रिमिटिव फॉर्म होती है। ठीक है, लेकिन जब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जिसमें हमारे पास प्रो नेफ्रोज, मेटा और मीजो नेफ्रोज हैं, डिफरेंट टाइप्स की किडनी हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स हैं जो हमारे पास किडनी की, वो हमारे पास स्टार्ट होती हैं बर्ड्स से, फिर उसके बाद सॉरी एम्फीबियन से, रेप्टाइल्स हैं, फिशेज हैं, बर्ड्स और मैमल्स हैं। ठीक है, ये आपने तरतीब जो है वो इसकी ऐसी रखनी। बच्चे आपका जो सिलेबस है वो आप लोगों का है, साथ में आपके पास फिशेज हैं जिसमें आपके पास कार्टिलिजनस भी आ जाती हैं और गनाथा और गनाथा भी आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास बोनी एम्फीबियंस के एम्फीबियंस तक आपने करना है, जो रिप्टाइल्स और बर्ड्स और मैमल्स है वो आपने भी नहीं करना। ठीक है जी, रेप्टाइल से पहले तक। जी, जहाँ पे आपके एम्फीबियंस ख़त्म होते हैं वहाँ तक, और रेप्टाइल से पहले तक। ठीक है, तो आपने जितना आप लोगों को पढ़ाया गया तो वो आपने उसको सारा देख लेना है। चलेंगे यहाँ तक, आपको ये समझ आ गया इसका प्रोटोकॉर्डेट्स का? यहाँ तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आपने अगर पूछना है तो वो आप पूछ लें। सीआरबी आपके यहीं पे हैं, जीआरबी हैं, तो आप जो एनिमल लवेस्टी की डेट है वो आप डिसाइड कर लें। एक तो आपका हो गया 4 को, ठीक है, एक तो आपका वो इंग्लिश का जो है वो 4 को हो जाएगा, और एनिमल डाइवर्सिटी का आपका किस डेट को करेंगे? चले बच्चे, वो देखते हैं बाद में, कि कोशिश तो यही है कि जस्ट एमसीक्यूज ही रखने हैं, तो वो फिर मैं देखती हूँ कि क्या करना है। जी बच्चे, आपके जो एमसीक्यूज हैं इनकी बेस पे आपको टाइमिंग दी जाए, वो आपकी एमसीक्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, या 1 मार्क्स का एक एमसीक्यूज होगा या 2 मार्क्स का एक एमसीक्यूज होगा। बच्चे होता है एक एमसीक्यू के लिए 1 मिनट होता है। ठीक है, और आपको जो 2 मिनट हैं वो आप लोगों के आप नेम और एजी के मिल जाएंगे। ठीक है, जो बाकी आप लोगों के अपने नेम है वो आपने कंप्लीट लिखने हैं, अपने एजी है वो कंप्लीट लिखने हैं, उसमें आपने मिस्टेक्स नहीं करनी। ठीक है, और बाकी जो आप लोगों का मिड है उसमें आप लोगों के फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों का जो एनिमल डाइवर्सिटी का कोर्स है वो कितने क्रेडिट आवर्स का है, 2 का है या 3 का है? 1 सेकेंड,
ये आप लोगों का 4 क्रेडिटर्स का, ठीक है, एनिमल डाइवर्सिटी 2 का। तो इसमें आप लोगों के तकरीबन आई थिंक कितने मार्क्स का पेपर बनेगा, 18 मार्क्स का बनेगा। बच्चे वो वेरिफिकेशन क्यों मांगता है आप लोगों की, अच्छा इसमें एक करें, आप लोगों के जो मेल अकाउंट है वो आप लोगों की ओपन होने चाहिए आपके फ़ोन में। इसके अलावा आपका जो WPS है वो, इसके अलावा आपका वर्ड है वो, पावर पॉइंट है, ये आप लोगों के जो सॉफ्टवेयर हैं ये अपडेट होने चाहिए। इसको प्ले स्टोर से जाके अपडेट कर लें। इसके साथ साथ जो आपका जीमेल अकाउंट है, आपके जो फ़ोन में लॉगिन होता है उसको लॉगिन रहने दें, उसको लॉग आउट ना करें। वो मैटर नहीं करता कि आपके बच्चे रिद्धा के फ़ोन में आई थिंक कोई प्रॉब्लम है। अब देखें ये आप लोगों की, या तो कोई इस तरह का मसला कोई होगा इनके फ़ोन में। देखें आप इसमें ये देखें कि ये आप लोगों का अकाउंट जो है, ये आपको मैंने लिंक शेयर किया यूट्यूब का, तो बाकी सब स्टूडेंट्स का कनेक्टेड हो गया, लेकिन इनका जो है वो चैनल क्रिएट मांग रहा था। ठीक है, बच्चे आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को, एक सेकेंड, सिग्नल तो आ रहे हैं नेट के, आवाज़ नहीं आ रही मेरी आप लोगों को। मैं इसमें ये कह रही हूँ कि आप लोगों का जो LMS का अकाउंट है वो आपने, सॉरी LMS का कह रही हूँ, जीमेल अकाउंट वो आपने ओपन रखना है। ठीक है, अब मेरी बात पहले सुन लें अच्छे से, फिर आपका ये जो गूगल फॉर्म का मसला है वो नहीं होगा। आपने अपना जो जीमेल अकाउंट है उसको लॉगिन रखना है, ठीक है, उसको, वो बेशक आपका अकाउंट है, आपके फैमिली में से किसी का, आपने जीमेल अकाउंट, जब तक आपके पेपर्स हैं, आप गूगल फॉर्म को ओपन करते हैं, आपने जीमेल अकाउंट को लॉग आउट नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात, आपके जो फ़ोन के सॉफ्टवेयर हैं, जो आपके एंड्रॉयड के हैं, आप लैपटॉप से देते हैं, आपका जो वर्ड है, WPS ऑफिस है, इसके अलावा आपके पास एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ठीक है, ये 4 आप लोगों की अपडेट्स होती हैं। आपने इसको प्ले स्टोर से जाके अपडेट कर लेना है, ठीक है। एक तो ये है कि फ़ोन के साथ साथ वो अपडेटिंग देते रहते हैं, तो आपने उसको अपडेट कर लेना है, तो ये आप लोगों का जो गूगल फॉर्म का मसला है ये नहीं होगा। आपको पेपर से पहले जो है वो एज ए डेमो के तौर पे आपको मॉक टेस्ट जो है वो शेयर किया जाएगा, ताकि जिन भी स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, जिनका स्टूडेंट का इशू है, तो उसको पहले से का इशू सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अगर कोई क्वेश्चन अभी भी आपको नहीं समझ आई तो अभी आप पूछ लें, ठीक है। ये जब आप ये 3-4 जो मैंने आपको बातें कही हैं, तो ये अगर आप इसको लॉगिन ही रखोगे, अपने जो सॉफ्टवेयर हैं उनको अपडेटेड रखोगे, तो आपके गूगल फॉर्म ना तो वो वेरिफिकेशन मांगेगा, ना ही उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। वो फौरी आपका ओपन होगा, और ओपन होने के बाद अपना निक करना है, फिर सबमिट होगा। आप बैक भी जा सकते हैं, आप नेक्स्ट भी जा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। समझ आ गई आपको, सारी बात समझ आ गई है बच्चे? अब अगर किसी का इश्यू है तो वो बता दें। और रिद्धा आपको जब जो मॉक टेस्ट शेयर किया जाएगा, तो तब आपने देना है कि जो मैंने आपको बातें की हैं इसको फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद फिर भी अगर आपके मॉक टेस्ट में किसी स्टूडेंट का कोई इशू आता है, तो आपने ग्रुप में मैसेज करके बताना है। शोर नहीं डालना वहाँ पे, इतने ज़्यादा मैसेजेस नहीं करने हैं। जिसका जो इशू होगा उसने जस्ट वो बताना होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगी। चलें, ठीक हो गया। बच्चे लास्ट टाइम भी अपडेट किया था आपने, आई थिंक आपके फ़ोन में, आपने कौन सा फ़ोन है आपके पास, आपने फ़ोन में कोई पंगा किया होगा, तो जिस वजह से आपके ये प्रॉब्लम होता है। ये फिर आप में इशू हुआ या पेपर में इशू हुआ, तो उससे ये है कि वो आपको ज़्यादा बेटर बता देंगे, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट का यही इशू होता है कि ये सॉफ्टवेयर्स अपडेट नहीं होते, तो उसकी वजह से जो गूगल फॉर्म है वो रन नहीं करता।
मोस्टली स्टूडेंट का, जब मैं उनको कहूँ तो वो अपडेटिंग के बाद जो है वो उनका रन करना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, नेट इशू की वजह से भी ये पेपर जो है वो प्रॉब्लम करता है। एक आप लोगों ने, जब आप लोगों के पेपर्स होंगे तो अपने जो पैकेज है वो उसको अच्छे से लगा लीजिएगा, या फिर आप जो अपना वाईफाई है उसको अच्छे से यूज़ कर लें, ठीक है। तो नहीं, फ़ोन का तो खैर कोई नहीं है, फ़ोन वो तो हर फ़ोन में गूगल फॉर्म पे चल जाता है। चले, नेक्स्ट इसमें हमने जो पाइसिस है आप लोगों का, पाइसिस डिस्कस करना है। ये आफ्टर क्लास में आप लोगों को डाटा जो है वो शेयर कर दूंगी, तो उसके बाद फिर आप अपनी जो इनमें से देख लीजिएगा। ये आप लोगों को पेपर में भी हेल्प करेगा, और इसके साथ साथ आप प्रैक्टिकल की जो नोटबुक्स होंगी वो आफ्टर पेपर आपने राइटअप करनी है, ठीक है। डायग्राम्स बनानी है, उसको लेबलिंग करनी है, कलरिंग यूज़ नहीं करनी आपने, लेड पेंसिल यूज़ करनी है आपने, उसको डार्क शेड देनी है आपने, उसको लाइट शेड देनी है आपने, उसको बिल्कुल ब्लैक करना है, वो आपकी अपनी मर्जी है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि सबसे पहले किस किस साइंटिस्ट ने दी थी। सबसे पहले हमारे पास 1894 में जो है वो दी थी अर्नेस्ट हैकल ने, जो कि थ्री से किंगडम सिस्टम था क्लासिफिकेशन का। और रॉबर्ट विटकर ने हमारे पास दी थी 1959 में, और ये हमारे पास फाइव किंगडम सिस्टम थी क्लासिफिकेशन की। और कार्ल वॉजी ने जो है वो 1977 में दी थी, ये हमारे पास मॉडिफिकेशन थी फाइव किंगडम सिस्टम की, ठीक है। और इन तीनों, ये जो हमारे पास बायोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने किंगडम की जो कैटेगरीज हैं, ब्रॉड कैटेगरीज जो कि हमारे पास किंगडम है उसको क्लासिफाई किया था, ठीक है। फॉर एग्जांपल थ्री किंगडम है, फाइव किंगडम है, या सिक्स है, या सेवन है, या टू है, तो ये इन्होंने उनको डिवीजन की थी। और किंगडम के बाद ही हमारे पास नेक्स्ट जो है वो बनता है आपके पास फाइलम, फिर क्लास है, फिर ऑर्डर है, फिर फैमिली है, फिर जीनस है, फिर स्पीशी है। बच्चे, इसमें डाटा नहीं आपने लिखना, इसमें आपने सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करनी है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपके पास जो एग्जांपल है, जो नेम है, आप उसको गूगल पे लिखेंगे कि क्लास स्पीशी, ठीक है। आपने ये जस्ट उनकी जो नेमिंग होगी कि वो किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, उसकी ये चार पांच आपने लाइनें लिखनी होगी, ठीक है। ये आप लोगों ने डाटा लिखना है, इसके अलावा आपने और कुछ नहीं लिखना है। एक डायग्राम ड्रॉ करनी है, और किंगडम से स्पीशी तक का जो हमारे पास स्टेप्स आते हैं वो आप लोगों ने गूगल से भी आप देख के लिख सकते हैं। किसी भी एनिमल की, फॉर एग्जांपल आपके पास शार्क है, आपने शार्क का लिखना है, तो आप गूगल पे लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ शार्क, तो वहाँ पे आपके पास सारा आ जाएगा कि ये इस किंगडम से बिलोंग करती है, ये इसकी क्लास है, ये इसका फाइलम है, ये इसका जीनस है, ये इसकी फैमिली है, ये इसकी स्पीशी है, ठीक है। जो रॉबर्ट विटकर ने हमारे पास किंगडम्स दिए थे, उसमें हमारे पास मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी और एनिमेलिया है, ठीक है। हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो किंगडम एनिमेली है, और उसी से हमारे पास जो एक क्लास है वो हमारे पास पाइसीज है। इसके अलावा किंगडम प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी जो है वो आप लोग बॉटनी में पढ़ रहे हैं। जो आपके पास प्रोटिस्टा है वो आप लोगों ने एनिमल डाइवर्सिटी वन में पढ़ा होगा, और फंजाई और मोनेरा है वो अभी आपने नहीं पढ़ा। आपने लास्ट की जो क्लासेस होगी, जब आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी, वो आपने तब स्टडी किया होगा। नेक्स्ट आपके पास पाइसीज हैं, इसकी जो क्लासिफिकेशन एक है, आपके पास सुपर क्लास है जिसमें गनाथोस्टोमेटा है, जिसमें हमारे पास मोस्टली जा जो कॉर्डेट्स है वो आ जाते हैं, इसके अलावा फिशेज़ आ जाती हैं जो कि टेट्रापोड से कंपेयर करती हैं, ठीक है। आप फिशेज़ को जो है वो टेट्रापोड में लिखते हैं। इसके अलावा जो बाकी आपके पास एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, वो भी आपके पास टेट्रापोड में आते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसमें टेट्रापोड के साथ साथ हम इसमें ये भी, इसमें आपके पास पैलाकॉइड है, लिप्टॉइड है, कॉस्मोकॉइड है, ग्लिनॉइड है, ये सारे स्केल्स उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ फिशेज़ ऐसी भी हैं जैसे कि हमारे पास जॉलस फिशेज़ होती हैं, उनमें स्केल्स नहीं होते। और नेक्स्ट इसमें हम ये कहते हैं कि हमारे पास पिगमेंट्स होते हैं, और इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से फिशेज़ की जो बॉडी पे कलर्स, डिफरेंट कलरेशन है, ये आपको डायग्राम में भी नज़र आ रही है, ठीक है। जिसकी वजह से ये खूबसूरती में जो है, या ब्यूटी में, इक्वेरियम है उसमें इजाफा कर रही होती हैं। इसके अलावा कुछ स्लाइमी ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि स्लाइम को, म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो पाइसिस की कुछ क्लासिफिकेशन है कि जिसमें हमारे पास गनेथो स्टोम्स आ जाते हैं, उनकी जो स्किन होती है हमारे पास
स्केली होती है आपके फिशेज के अलावा आपके पास जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनकी जो बॉडी है उन पर स्केल्स नहीं होते, ठीक है। ये वाइड फिशेज़ होती हैं जिनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं, और इन्हीं स्केल्स को हम रिमूव करके जो है, या बास फिशेज़ में ये है कि ये स्केल्स रिमूव नहीं किए जाते, उसको आप बर्न करके आप ईट कर सकते हैं, या फिर इनको स्केल्स को रिमूव करके आप जो बॉडी होती है उनको कट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्लासेस जो है वो उसमें हमारे पास क्वांटिटीज आ जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो ओल्डर फिशेज़ थी उसमें हमारे पास ऑस्टिकथीज हैं और प्लैकोडर्मी है, ठीक है। कॉन्ड्रिकथीज में हमारे पास जो कार्टिलिजनस भी आप उसको कहते हैं, या फिर आप उसको जो है वो गनेथोस्टोम, जो जालस जाज वाली फिशेज़ होती हैं, जॉलस नहीं होती हैं। ऑस्टेकोथीज में हमारे पास जो बोनी फिशेज़ होती हैं और मॉडिफाइड फिशेज़ होती हैं वो होती हैं। और इससे पहले जो है हमारे पास जो एक्सटिंक्ट क्लास थी जिसको कि आप प्लैकोडर्मी का नाम देते हैं, और जो हमारे पास प्रिमिटिव क्लास है वर्टिब्रेट्स की जो कि हमारे पास फिशेज से बिलोंग करती है, वो हमारे पास है स्पेडोमॉर्फी, ठीक है। ये हमारे पास प्लैकोडर्मी जो एक्सटिंक्ट का मतलब यह है कि वो ख़त्म हो गई है, अब हमें नहीं मिलती, लेकिन जो प्रिमिटिव का मतलब यह है कि जो हमारे पास पास्ट में प्रेजेंट थी, ठीक है, और ये हमारे पास मोस्ट प्रिमिटिवली जो है वो पाई जाती थी, लेकिन अब जो है वो हमारे पास कॉन्ड्रिक थीज हैं और ऑस्टिक थीज हैं, ठीक है, जो हमारे पास उसमें आ जाती हैं गनेथोस्टोम्स में या गनेथा में आ जाती हैं, या फिर जॉज फिशेज़ में आ जाती हैं। और यहाँ पे हमारे पास कार्टिलेजनस फिशेज़ में शार्क्स हैं, ठीक है, और बोनी फिशेज़ में आपके पास जो है वो डिप्नोई है। जी ऐसे जी तीन आप लोगों की जो है वो एम्फीबियंस की डायग्राम, तीन आप लोगों की फिशेस की, तीन आप लोगों की प्रोटोकॉर्डेट्स की, तीन आप लोगों की रेप्टाइल्स की, तीन बर्ड्स की, तीन मैमल्स की, ठीक है। वो आपकी सब स्टूडेंट्स की अपनी अपनी मर्जी है कि आपने अपने लिए इजी चॉइस करनी है। आपकी जो एग्जांपल्स आ जाती हैं उसमें, जो हमने एग्जांपल्स पढ़ी भी हैं, फॉर एग्जांपल हमने टर्टल जो है वो किस में पढ़े हैं, फ्रॉक्स किस में पढ़े हैं, इसके अलावा हमारे पास शार्क्स हैं वो किस में पढ़ी हैं, तो वो आप इन्हीं नेम्स को जो है जो एग्जांपल्स आ जाती हैं एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, तो उन्हीं को आपने की क्लासिफिकेशन ऑफ शार्क, ठीक है, या क्लासिफिकेशन ऑफ डिप्नोई, तो आप उसको लिखेंगे तो आपके पास सारी आ जाएगी कि इसका ये किंगडम है, ये फाइलम है, ये क्लास है, ये ऑर्डर है, ये फैमिली है। आपने इसी तरतीब के साथ इस किंगडम से लेकर स्पीशी तक आपने जो लाइन वाला पेज होगा उस पर लिखना है, और जो आपके पास ब्लैंक पेज है वहाँ पर आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है और उसकी लेबलिंग करनी है, ठीक है। वहीं पर ही अटके हुए हैं अभी तक आप लोग। चलें नेक्स्ट, इसमें हमारे पास सिंगल्स, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे पास सिंगल सर्किट पाया जाता है, ठीक है। आप लोगों को सिंगल सर्किट का भी बताया था, डबल सर्किट का भी बताया था, ओपन और क्लोज का भी बताया था, ठीक है। सिंगल सर्किट में क्या होता है कि ब्लड पास करता है थ्रू टू सेट्स ऑफ कैपिलरीज से जो है वो पास करके वो एक पे यूनाइट हो जाता है और वो गिल्स तक पहुँचता है, और इसके अलावा बॉडी के जो अदर टिश्यूज़ हैं वहाँ पर मूव करता है। इसके अलावा हमारे पास थ्री सेमी सर्कुलर कनाल्स होती हैं जो कि इनर एयर में प्रेजेंट होती हैं, और ह्यूमंस में भी जो है वो सेमी सर्कुलर कनाल्स आपके पास इनर एयर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास जो है वो लेटरल लाइन सिस्टम है, आप उसको जो है वो लेटरल लाइन कैनाल भी कहते हैं, लेटरल लाइन सिस्टम भी कहते हैं, या जस्ट लेटरल लाइन भी कहते हैं। तो इसमें कि जो स्मेल की सेंस होती है वो वेल डिवेलप होती है हमारे पास फिशेज़ में, और वो वेल डिवेलप किस तरह से होती है कि वो जो वेव्स होती है हमारे पास लो प्रेशर वाली और हाई प्रेशर के लिए हमारे पास ईयर्स होते हैं, लो प्रेशर के लिए हमारे पास लेटरल लाइन सिस्टम होता है, ये उसको डिटेक्ट करती हैं, तो इस तरह से जो स्मेल होती है उसको सेंस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें मोस्टली ये देखते हैं कि जो फिशेस के आप लोगों को फॉसिल्स हैं वो ऑर्डोविशियन जो पीरियड है उसमें मिलते हैं, और ऑर्डोविशियन पीरियड जो है वो हमारे पास मोस्टली 505 से लेकर 438 मिलियन ईयर्स एगो तक होता है। अच्छा, इसमें ये बात याद रखें, ये जो हमारे पास पीरियड्स या ईराज हैं ये हमारे पास डिफरेंट बुक्स में आप लोगों को नेट पे भी ये डिफरेंट इनकी जो ड्यूरेशन है, इनके जो ईयर का ड्यूरेशन है वो आपको मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा इसमें हमारे पास मॉडर्न क्लासेस जो आप लोगों ने देखी हैं वो हमारे पास जो ऑर्डोविशियन पीरियड में पाई जाती हैं वो कॉन्ड्रिकथीज और ऑस्टेकोथीज, ठीक है।
और अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे पास फिशेज जो हैं वो किस पीरियड में पाए जाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो ऑर्डोविशियन पीरियड में है, ठीक है। और इसके अलावा फर्स्ट हमारे पास जो प्रोटोफिश थी, जिसको के हम सबसे पहले जो हमें मिली थी वो लेट कैम्ब्रियन फॉसिल्स में मिली थी, और इसके अलावा ये फर्स्ट ट्रू फिश थी, और ये एग्नाथा थी, और ये रिकॉर्ड की गई थी ऑर्डोविशियन जो सेडिमेंट्स होती हैं, जो हमारे पास लेयर रॉक्स की लेयर्स होती हैं, ये वहाँ से हमें मिली थी। और इसके अलावा ये पहली मॉडर्न क्लासिफिकेशन थी जिसको कि हम पाइसेस में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और इसमें ये आपको ये फ़िश की जो डायग्राम में वो आपको दिखाई गई है, और इसमें ये देखें कि इसके जो डिफरेंट कलर्स हैं बॉडी की, एक तरफ आपको ब्लू कलर नज़र आता है, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू, और दूसरी तरफ जो है वो आपको येलो कलर का नेट नज़र आएगा। तो इस तरह से ये खूबसूरती में भी इजाफा करते हैं। और इस तरह की जो फिशेज आपने अक्सर एक्वेरियम में, या कभी आप रेस्टोरेंट में गए हो, या अगर आपने कभी एक्वेरियम छोटा या बड़ा देखा हो, तो ये बेसिकली डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में लगाए जाते हैं खूबसूरती के लिए। उसको एक तरफ से जो है वो पानी पंप कर लिया जाता है, और दूसरी तरफ से जो फूड है वो एंटर करने का सोर्स जो है वो उसमें रखा जाता है, ताकि वो फूड एंटर होती रहे, फिशेज जो है वो उसको कलेक्शन के लिए मूव करें। नेक्स्ट इसमें हमारे पास गिल्स हैं। गिल्स किसके लिए? हमारे लिए मोस्टली रेस्पिरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, और ये हमारे पास एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं ये उनमें पाए जाएंगे। इसके अलावा लिम्स होते हैं, और इनमें जो लिम्स होते हैं वो उनमें डिजिट नहीं होते, सेम इसी तरह से जैसे हम रैबिट्स हैं उनकी बात करते हैं, तो रैबिट्स में हमारे पास मोस्टली जो उनकी हूव्स हैं तो मोस्टली वो डिजिट्स के अकॉर्डिंग जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास ये फॉर्म करते हैं सिस्टर ग्रुप, जो कि हमारे पास ट्यूनिकेट्स है, और जिसमें हमने सबसे पहले जो यूरोकॉर्डेट्स पढ़े थे, जिसमें ट्यूनिक जो है वो आउटर लेयर है वो प्रेजेंट भी होती थी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम ये कहते हैं कि इनमें ऑल्फैक्ट्री जो लोब्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ताकि स्मेल की डिटेक्शन के लिए, ठीक है। इसके अलावा हम जो हमारे पास हैगफिश या लैम्प्रे है वो हमारे आ जाते हैं जॉलस फिशेज में, गनेथा में, ठीक है। और जो हमारे पास एम्फीऑक्सिस है उसका जो लार्वा है वो रिजेंबल करता है हमारे पास लैम्प्रे के साथ, और एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास कार्टिलिजनस और बोनी फिशेज हैं ये जो हमारे पास एक्सटिंक्ट ग्रुप्स हैं ये उनसे बिलोंग करती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास प्लेकोडर्मी, और वो हमारे पास एक्सटिंक्ट फॉर्म में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स कहाँ गायब हो गए हैं बच्चे? ये बीच में से भाग जाते हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो हमारे पास बोनी फिशेज आ जाती हैं उनको हमने नेक्स्ट उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, कि हमारे पास टेट्रापोड जो मर्ज किए जाते हैं लोब फिन फिशेज से, ठीक है। एक हमारे पास रे फिन फिशेज हैं, एक हमारे पास लोब फिन फिशेज हैं, ठीक है। और क्लैडिस्टिकली जैसे हम इस तरह से कहते हैं कि वो जो आप चार्ट्स बनाते हैं, जो आप लाइन के ज़रिए से एक दूसरे को लिंक कर रहे होते हैं, उसको आप क्लैडिस्टिकली कहते हैं। और इसमें जो फिशेज हैं वो लोब फिन फिशेज इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। और ट्रेडिशनली हम फिशेज का मोस्टली कि ये पैराफाइलेटिक ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये उनसे बिलोंग करती हैं। मोनोफाइलेटिक में ये कि इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो एक ही हमारे पास जो अबाउजदाद हैं वो एक से ही लिंक करते हैं, उनका जो रिलेशनशिप है वो एक ही हमारे पास चेंज चलती रहती है। लेकिन पैराफाइलेटिक में जो है वो डिफरेंट से, जैसे आप डाइवर्जेंस कहते हैं कि वो डाइवर्ज हो जाते हैं, कि एक आप उसकी वी शेप बन जाती है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनके जो बाव इजाद और सेम थे, लेकिन अब जो आके वो उनके जो प्रेजेंट जनरेशन है वो डिफरेंट हो गई है। जी इधर ही हैं, बीच में गायब भी हो जाते हैं, बीच में आ भी जाते हैं, फिर कहते हैं मैम जी इधर ही हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास के इसमें अदर टेट्रापोड्स भी हैं, ठीक है, लेकिन हम वो उनको पैराफाइलेटिक से डिस्कस नहीं करते। उसमें हमारे पास एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास मोस्टली डिसेंड किए जाते हैं, सेम जो इनकी इंसेस्ट्री जो होती है वो उनकी सेम होती है, ठीक है। जो इनके इंसेस्टर्स जो इनके बाजदाद होते हैं वो सेम होते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास और इसको ये जो हमारे पास ग्रुपिंग की गई है मोनोफाइलेटिक की पैराफाइलेटिक की, इसको हम सिस्टमेटिक बायोलॉजी उसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रेडिशनली टर्म है जिसको आप पाइसिस का भी नाम देते हैं उसको हम जो है वो एक्थाइज ये भी कंसीडर करते हैं, या फिर आप उसको टाइपोलॉजिकली
जो है वो कंसिडर करते हैं, लेकिन आप इसको जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है उसमें आप इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। जी, आप हर बात का रिस्पांस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जस्ट आपका थोड़ा सा ही रह गया, इसमें आपके पास जो अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आपके पास क्लासिफाई किए गए थे, इसमें हमारे पास सोर बॉडीड भी कॉर्डेट्स हैं जो कि आप इसमें जो है वो फर्स्ट कैम्ब्रियन पीरियड है उसके दौरान में ये अपीयर्ड हुए थे। अच्छा बच्चे, आपने जो आपके पास फिशेज हैं, यूरो कॉर्डेट्स हैं या फिर आपके पास रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, तो आपने इनका ये पीरियड का और ईरा का लाजमी ख्याल रखना है। ये आप लोगों का अक्सर क्वेश्चन पेपर में आता है और ये आप लोगों का आएगा भी, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। ये आप क्लास के बाद में आप लोगों को वो पीरियड एक चार्ट है मेरे पास, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, वो आपने उसमें से देख लेना है कि कौन से पीरियड में फिशेज़ आती हैं, कौन से पीरियड में जो है वो एम्फीबियंस आते हैं, फ़र्स्ट टाइम किस में इवॉल्व हुए थे और उनकी जो हमारे पास जितनी भी डाइवर्सिटी है एम्फीबियंस की वो किस पीरियड में ख़त्म हुई थी, और रेप्टाइल्स फर्स्ट सबसे पहले किस पीरियड में आए थे, तो वो आपने वहाँ से देख लेने हैं, ठीक है। और फिर भी अगर कुछ समझना है तो वो फिर आपने मुझे बता देना है। नेक्स्ट इसमें हमने नोटो कार्ड है एक, इसमें हमारे पास जो स्पाइन होती है, ये जो हमारी बॉडी पे डिफरेंट जिसको आप स्पाइनी स्किन भी कहते हैं, तो वो इनमें हमारे पास कॉर्डेट्स में लेक होती है। इसके अलावा ये नोटो कार्ड हैं, ये उसको नोटो कार्ड इनमें प्रेजेंट होती है। नोटो कार्ड जो प्रेजेंट होती है वो मोस्टली किस लिए होती है कि जो उनके ये जाइली फॉर्म है ये उनको जो है वो अलाउ करेगी, और इसके अलावा जो अदर इनवर्टिब्रेट काउंटर पार्ट्स होते हैं ये उनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। नोटोकॉर्ड जो बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर है, हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है, ये तीनों चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट होती हैं वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। और लेकिन जब हम अदर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि फिश वुड कॉन्टिन्यू टू इवॉल्व, ये यहाँ पे इन्होंने ईरा बताया है, पीलियोजोइक ईरा, लेकिन इससे पहले जो है वो हमने कैम्ब्रियन पीरियड पढ़ा था और ऑर्डोविशियन सेडिमेंट्स हैं, ऑर्डोविशियन पीरियड है हमने वो पढ़ा था, ठीक है। ये आपने एक इसमें ईरा है वो याद रखना है, दूसरा आपने इसमें से जो पीरियड्स हैं वो याद रखने हैं, ये मैं अभी आफ्टर क्लास आपको शेयर करूँगी, तो आपने इसको अच्छे से समझना है। फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल हो तो आपने क्लास में पूछना है ताकि मैं आपको इसको अच्छे से समझा दूँ, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास ये जो फिशेज जो हैं जो कि पीलियोज़ोइक ईरा में डेवलप हुई थी, इनके जो एक्सटर्नल आर्मर हैं वो प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोटेक्ट करते हैं प्रीडेटर बॉडी से। फॉर एग्जांपल जो फिशेज स्मॉल हैं तो उनमें ये जो एक्सटर्नली इनकी बॉडी पे आर्मर होंगे, तो इनका बेसिकली पर्पज़ होगा कि ये इनको प्रोटेक्ट कर सके, इन पर किसी भी तरह का अटैक ना हो, ठीक है, इस तरह से इनकी जो लाइफ होती है वो सेव रहेगी। फिशेस की आप कलरेशन देख रहे हैं कि उनकी कलर्स किस तरह के हैं, और इन्हीं कलर्स की बिना पे ही ये जो खूबसूरती है उसमें इजाफा करते हैं। आप इसको चाहे पॉन्ड में रख लें, आप इसको मार्केट साइज पे लेके आ जाएं, आप इसको एक्वेरियम में लेके आएं। एक्वेरियम में मोस्टली आपको कलर्स वाली फिशेस नज़र आएंगी, इसके अलावा जो आपको पॉन्ड में या फिर मार्केट में मिलती हैं जो कि आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट या फिर अमीनो एसिड की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करती हैं, वो आपके पास मोस्टली इंडियन कार्प्स होती हैं या फिर आपके पास चाइनीज़ मेजर कार्प्स होती हैं। और जो फर्स्ट फिश जो कि आपके पास जा में अपीयर हुई थी वो आपके पास सिलेरियन पीरियड है उसमें हुई थी, और उसके बाद जो है वो आपके पास शार्क है वो मिली थी, और जो शार्क्स है बेसिकली उनकी जो हमारे पास फीडिंग हैबिट है वो कार्निवोरस होती है, और इस तरह से वो मोस्टली जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो उनका प्रे करती है, ठीक है, उन पे उनको प्रे करके एज ए फूड पर्पस के लिए वो यूज़ करती है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास फिशेस का हमने देखा कि हमारे पास इनकी जो बॉडी होती है वो एक्टोथर्मिक होती है और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है, और इनकी जो बॉडी है जो टेम्परेचर होते हैं ये अकॉर्डिंग टू जो इन्वायरमेंटली टेम्परेचर होता है वो चेंजेस होता है, तो ये उसको अलाउ कर देते हैं। और इसके साथ साथ नेक्स्ट हम इसमें ये भी कहते हैं कुछ हमारे पास फिशेस के जो हैं वो एक्टिव स्विमर्स भी होते हैं, जिसमें हमारे पास वाइट शार्क आ जाती है और ट्यूना आ जाती है, और ये हाई टेम्परेचर है ये उसको भी मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है, ये हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं।
सेम इसी तरह से हमारे पास कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, और सेम इसी तरह से हमारे पास कुछ फिशेज ऐसी हैं जो कि हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, और कुछ जो हैं वो आपके पास लो टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं। और फिशेज जो हैं वो हमारे पास मोस्टली अबंडेंट होती हैं वाटर में, ठीक है, इक्वेटिक इन्वायरमेंट में। और इक्वेटिक इन्वायरमेंट में आपके पास दोनों आ जाता है, मरीन भी और फ्रेश वाटर भी, ठीक है। मरीन में आपके पास जो है वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश वाटर के। और इसके साथ साथ आप ये भी इसमें देखते हैं कि ब्रैकिश वाटर भी होता है। ब्रैकिश वाटर हमारे पास वो होता है जिसमें सॉल्ट और मैरीन दोनों वाटर मिक्स होते हैं। मैरीन में आपके पास सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ब्रैकिश वाटर के, ठीक है। ब्रैकिश वाटर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू फ्रेश वाटर के, लेकिन मैरीन इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना, यह मेन बातें हैं, ये मिक्स हो जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो कुछ फिशेज ऐसी भी हैं जो कि इक्वेटिंग इन्वायरमेंट में, और इसके अलावा जो माउंटेन एरियाज़ में जो स्ट्रीम्स होती हैं वहाँ पे ये रहेंगी। उसमें हमारे पास चार है और गुडेजन है, ठीक है, ये फिशेज के नेम हैं, ये वहाँ पे रहती हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ फिशेज जो हैं वो ऐसी भी हैं जो कि डीपेस्ट ओशियंस में रहती हैं, जिसमें हमारे पास गुलपर्स और एंगलर जो फिश हैं वो आ जाती हैं। और ये इनकी तकरीबन 33,600 जो स्पीशीज़ हैं वो अभी तक डिस्क्राइब हो गई हैं, फाउंड कर ली गई हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनकी जो हमारे पास ज़्यादा डाइवर्सिटी है स्पीशीज़ की वो इनकी पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर वर्टिब्रेट्स के, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हमारे पास गुलपर्स हैं या एंगलर फिशेज़ आ जाती हैं, तो इनमें हमारे पास सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है स्पीशीज़ की एज़ कम्पेयर टू अदर फिशेज़ के। और ये हमारे पास जो हैं वो पाइसिस की ग्रुप्स हैं, जिसमें हमारे पास सैलमन स्पीशीज़ हैं, और इसमें आप डिफरेंट फिशेज़ उनको देखते हैं। जब आपको फीडिंग हैबिट्स करवाई थी तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि सैलमन है वो किस तरह की फीडिंग करेगी, या फिर अदर आपके पास कार्निवोर्स में और हर्बीवोर्स में किस तरह की आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आपने इनको देख लेना, ये हमारे पास सैलमन स्पीशीज़ हैं, और ये इनकी डाइवर्सिटी देख लें कि ये कितनी ज़्यादा पाई जाती हैं। ये आपका सिलेबस जो प्रैक्टिकली पोर्शन था यहाँ तक था, ये आप में इसकी फिशेज़ हैं, और इसके अलावा आपके जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं वो आपके यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको जो आपका टेबल है वो आपको मैं शेयर करती हूँ, एक सेकंड में देख लूँ तो अगर मुझे मिल जाता है तो। यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो वो आप पूछ लें। यहाँ तक आपके बच्चे कोई कंफ्यूजन है?
चले अभी मुझे वो मिल नहीं रहा। आप इस तरह से करें, आपके पास अगर आप उसको गूगल पे लिखेंगे जियोलॉजिकल टाइम चार्ट, ठीक है, तो वो आपके पास शेयर हो जाएगा। उसको आपने डाउनलोड करना है, उसमें वहाँ पे आपके पास डायग्राम्स भी बनी होंगी और के इसमें जो है वो आपके पास मोस्टली जहाँ पे ह्यूमन होंगे वहाँ पे ह्यूमन की डायग्राम होगी, जहाँ पे फिशेज होंगी फर्स्ट डिवेलप की जाएंगी वहाँ पे फिशेज की डायग्राम होगी, और इसके साथ साथ जहाँ पे आपके पास एम्फीबियंस हैं वहाँ पे आपके पास एम्फीबियंस की डायग्राम बनी होगी। तो आप वहाँ पे इसको देखेंगे और इसके साथ साथ वहाँ पे एक ईरा का ऑप्शन होगा, एक आपके पास मिलियन ईयर्स एगो के कितने से कितने टाइम के तक है, और उसके साथ साथ आपके पास पीरियड्स साथ में मेंशन होगा कि किस ईरा में कितने पीरियड्स आते हैं, और पीरियड्स के आगे फिर आपके पास ये लिखा होगा कि इसमें जो है वो कौन से एनिमल्स जो हैं फर्स्ट इवॉल्व हुए थे, लास्ट पे कौन से एनिमल्स इवॉल्व हुए थे, और इसके साथ फिर आपके पास उनकी जो डायग्राम्स हैं नेक्स्ट जो आपके पास कॉलम बना होगा तो उन पे वो डायग्राम भी होगा। गूगल पे या चीज़ हैं किस ईरा में पाई जाती हैं, उनका जो मिलियन कितने से स्टार्ट होके कहाँ पे एंड होता है, इसके अलावा आपने उसमें जो पीरियड है कौन कौन सा पीरियड आता है, फर्स्ट और फर्स्ट फिश है जो किस पीरियड में इवॉल्व हुई थी, और सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी किस पीरियड में थी, और किस पीरियड में जो है वो इनकी डाइवर्सिटी कम होना स्टार्ट हुई थी और ख़त्म हो गई थी, तो वो आपने इसमें सारे देख लेने हैं, ठीक है। और सिलेबस का मैंने आपको बता दिया, बाकी जो एमसीक्यूज़ का पैटर्न होगा कितने एमसीक्यूज़ होंगे आप लोगों का, जो इसका है इंग्लिश का आई थिंक आप लोगों का 6 मार्क्स का पेपर है, और जो आप लोगों का एनिमल डाइवर्सिटी है वो आप लोगों का 18 मार्क्स का ऐसे ही है, और तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जो एमसीक्यूज़ होंगे वो मैं शेयर कर दूंगी कि इतने हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, साथ में टाइमिंग भी और कितने मार्क्स का एक एमसीक्यूज़ होगा और किस टाइम आप लोगों का पेपर होगा, और टाइम आप लोग देख लें कि मैं तो यही कहूँगी कि 10 से 12 की जो टाइमिंग है उसी में ही कर लेते हैं, तो बाकी आप लोग देख लें कि आपको कैसे सूटेबल लगता है। एक आप लोगों का 4 को है इंग्लिश का और 6 को आप लोगों का है एनिमल डाइवर्सिटी 2 का, ऐसे ही है। बच्चे कुछ बोले तो जी मैम, यस मैम, नो मैम, जी मैम, यस मैम, नो मैम, बस ये 3 सारी बातें होती हैं। 4 को है बच्चे, 4 मई को है इंग्लिश का आप लोगों का, और 6 मई को है आप लोगों का एनिमल डाइवर्सिटी 2 का। दिन का तो अब मुझे नहीं पता, दिन अब आप लोगों ने देख लेने हैं। आई थिंक जी, ऐसे ही है शबजीन, और टाइमिंग भी देख लें, आई थिंक 10 बजे सुबह सही है या 11 बजे कर लें। जी वजह मैं भी आपको यही कह रही हूँ कि 10 या 11 बजे कर लें, और इससे ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो सकता। ओके बच्चे, ठीक चले, आफ्टर आप लोगों की पेपर के आपकी फिर क्लास भी होगी, और उसमें यह है कि आप लोगों का जो कंटेंट है अभी इसमें प्रैक्टिकल के आप लोगों का प्रोटोकॉर्डेट्स का और आप लोगों का जो फिशिश का है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बाकी आप लोगों का जो है वो एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स और मैमल्स हैं, इसी आप लोगों को स्लाइड शेयर कर देती हूँ, तो आप लोगों को उसमें पेपर की प्रिपरेशन में भी आसानी हो जाएगी। तो प्रैक्टिकल नोटबुक आपने अभी स्टार्ट नहीं करनी, प्रैक्टिकल नोटबुक आपने अपनी आफ्टर जो पेपर्स होंगे तब स्टार्ट करनी है, क्योंकि वो आपने फाइनल में सबमिट करवानी है। जी मैं स्लाइड आपको आफ्टर क्लास शेयर कर देती हूँ, उसकी आप टेंशन ना लें। जी 11 बजे ठीक है, 11 बजे ठीक है मुझे, 10 बजे बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि फिर अक्सर स्टूडेंट आप लोग भी लेट उठते हैं, तो मैं भी थोड़ी रिलैक्स होके फिर। जी 11 o'clock, ये आप भी कहते हैं नो मैम, यस मैम, नो मैम, जी मैम,
जी मैं यही पूछ रही हूँ कि कोई इश्यू है? नो, आगे से नो मैम, समझ आ गई है जी मैम, ठीक है। और वो आप लोगों की जो स्लाइड्स हैं ये मैं आप लोगों को अभी शेयर कर देती हूँ, आप लोग इनको देख लीजिएगा। और आप लोगों ने अपने पेपर्स की तैयारी अच्छे से करनी है, जितना आप लोगों को पढ़ाया गया है वही आप लोगों का जो पेपर पैटर्न होगा उसी में से होगा। आप लोगों का इंग्लिश का 6 मार्क्स का पेपर है, 4 मार्क्स का है। जो इंग्लिश का कितने मार्क्स का पेपर है आपका? 2 क्रेडिट आवर्स का है, तो आई थिंक 6 का है। आई थिंक मुझे भी इसी तरह लगता है कि 6 का इंग्लिश का आप लोगों का। चलें ओके हो गया। आप लोगों को पेपर से पहले मॉक टेस्ट भी शेयर किया जाएगा, वो मैं अभी आपको बना के, तो उसमें 2-3 ही MCQs होंगे, तो बेसिकली इसलिए होगा कि अगर किसी स्टूडेंट का गूगल फॉर्म का कोई इशू है तो वो आप लोगों का सॉल्व हो जाए, ठीक है। वही मैं पूछ रही थी आपसे, आई थिंक इंग्लिश के आप लोगों का 6 का है, वो 2 मार्क्स आप लोगों की जो है वो असाइनमेंट के हैं, क्योंकि 2 क्रेडिट आवर्स का कोर्स जो है वो मेरे पास फर्स्ट टाइम है, और 3 का होता है पहले, 4 का होता है, ठीक है। तो आप लोगों का वो जो 6 का है, आप लोगों का 6 का मिड का होगा, तो उसमें देख लेते हैं कि वो किस तरह, वो सिलेबस में आप लोगों को इंग्लिश का बता देती हूँ। एनिमल डाइवर्सिटी 2 का मैंने आप लोगों को सिलेबस बता दिया है, और बाकी जो कंटेंट्स है वो भी शेयर कर देती हूँ। इसके अलावा ओवरऑल एक मैसेज कर देती हूँ, ताकि वो स्टूडेंट्स, आपकी काफ़ी क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की, आप लोगों की टोटल 17 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से तकरीबन 10 भी पूरे प्रेजेंट नहीं थे। चलें ओके हो गया। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछते हैं, अदरवाइज फिर क्लास को एंड करते हैं। चलें ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपनी नमाज, अपने रोज़े कायम रखने हैं, और इसके साथ साथ अपने पेपर्स की तैयारी भी स्टार्ट कर लें, ताकि आपके लिए बाद में कोई इश्यू ना